2022 परीक्षा के लिए आ गया सौरभ सर का गेस्ट। 10th का फी 500 और 12th का फी 550 रखा गया। पेमेंट आपको गूगल पे फोन पे 7903979715 पर करना है। पेमेंट करके आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के। 2021 में चंदन कुमार ने 434 मार्क्स, 2020 में विकी कुमार ने पूरे बिहार में इंटर में सेकेंड टॉप किया था, दिलीप कुमार ने आपको मैट्रिक में 471 नंबर लाया था, उसका वीडियो देखे थे। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के इस YouTube चैनल पर मैं अजय कुमार सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग ठोस अवस्था के बारे में देख रहे हैं, जिसमें हम लोग को ये चौथा वीडियो आ चुका है। इससे पहले इस चैप्टर पर 3 वीडियो और आ चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। आपको ये डेली क्लास जो होंगे MWF में 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री है, और TTS में यानी कि मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन आप लोगों को 12th और 10th दोनों के लिए फिजिक्स चल रहा है। दोनों ही शाम को 7 बजे बैच आते हैं, तो डेली लाइव होकर जरूर देखिएगा। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग क्रिस्टल के प्रकार देखे थे कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग को ठीक सीखना है क्रिस्टल लैटिस के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ये ठोस नहीं होगा, क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में सीखेंगे। तो क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, या क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? ठीक है, लैटिस माने होता है जालक, तो क्रिस्टल जालक किसे कहा जाएगा इसके बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए, हम लोग पिछला वीडियो में ही सीखे हैं कि क्रिस्टल जो होता है ठोस ही होता है, और इसके पास में एक निश्चित संरचना होती है। क्योंकि ये एक ठोस है और इसके पास में एक निश्चित संरचना है, तो यह क्या होगा कि त्रिविमीय में, मतलब कि कहीं पर भी रखेंगे तो ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ स्थान छेकेगा, उसकी संरचना कुछ देखने लायक बनेगी। ठीक है, तो उन सभी कणों को, जैसे कि ये सभी कणों से मिलकर ये क्रिस्टल बना है, ये सभी कणों से NaCl का संरचना बन रहा है, तो ये जो होता है जिन क्रिस्टल घटक के कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, क्रिस्टल जालक। मतलब कि जो ठोस जिन कणों से मिलकर बना है तो उसको अगर रख के व्यवस्था देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर रखा गया है, तो उसी को कहा जाता है क्रिस्टल जालक। जैसे कि अगर हम NaCl की संरचना की बात करेंगे तो उसमें Na+Cl- ऐसे करके मिलकर बना होगा, तो इन सब का जब ये मिलकर तैयार होगा तो ये जो पूरा संरचना दिख रहा है इसी को क्या कहा जाएगा, क्रिस्टल जालक। ठीक है, क्रिस्टल जालक का मतलब होगा कि ठोस में वो संरचना कैसा है। जैसे कि नमक की ये संरचना है, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, लेकिन जब उसकी संरचना की बात करेंगे, संरचना कैसा दिखेगा, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ता है आपको क्रिस्टल जालक का। तब बताते हैं कि ये Cl- है, Na+ है, ऐसे ही जुड़कर ये क्या करेगा, पूरे जालक का निर्माण करेगा। ठीक है, समझ में आ गया वीडियो, ये चीज़ क्रिस्टल जालक समझ में आया कि जितने भी कण होंगे, जैसे कोई भी ठोस है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनेगा, तो उस पूरा ठोस के जितने भी कण होंगे उन सबको रख के हम देखेंगे कि कैसी संरचना बन रही है, तो वो जो संरचना बने। पढ़ाई में डाउट सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। स्टूडेंट अगर कोई भी क्वेश्चन में आप फंस गए हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है, और डायरेक्ट उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP बिहार महाराष्ट्र बोर्ड का हो, क्वेश्चन 6 से 12 IIT JEE मेन्स एंड एडवांस नीट का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, अगर नहीं बन रहा है तो तुरंत उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में कोटा के टॉप फैकल्टी GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर का आपको क्लास मिलेगा डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ छात्रों का विश्वास है डाउटनट ऐप, आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वही क्या होगा, क्रिस्टल जालक, इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला चीज होता है हमारे पास में जालक बिंदु। जालक बिंदु को अंग्रेजी में कहा जाता है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट होता क्या है अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए, एक हमारे पास में, जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास में जितने भी ठोस के कण थे सबको अगर रखेंगे तो इस प्रकार से व्यवस्थित हो गया, तो जितने भी कण होंगे तो ये पूरा का पूरा जो ये संरचना तैयार हो गया आपके सामने, इसी को कहा जाएगा क्रिस्टल जालक। मतलब कि ये जिससे मिलकर बना था उसकी पूरी संरचना को कहा जाता है क्रिस्टल जालक, और क्रिस्टल जालक में जितने भी परमाणु होते हैं उसको एक गोला से दर्शाया जा रहा है, जितने भी परमाणु उसको गोला से दर्शाया जा रहा है, तो इस जिसको गोला से दर्शाया जाता है इसी को क्या कहा जाता है, जालक बिंदु। यानी कि क्रिस्टल जालक में कहाँ पर, क्रिस्टल ठोस में कणों को दूसरे के सापेक्ष स्थित बिंदु को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु। यहाँ पर हमारे पास में जैसे कि ये पूरा का पूरा ये क्रिस्टल बन के तैयार हो गया है,
तो इसमें जो ये बिंदु गोला दिखाई दे रहा है, चाहे वह ग्रीन वाला हो चाहे या रेड वाला, यानी Na प्लस हो या Cl माइनस, कोई भी हो, इस गोला को ही क्या कहा जाता है, जालक बिंदु। ठीक है, ये जालक बिंदु, क्रिस्टल जालक में जो कण होते हैं उसी को गोला से दर्शाया जाता है, जिसे हम क्या कहा जाते हैं, जालक बिंदु। किसी के मन में यह सवाल आएगा कि जालक बिंदु ही क्यों कहते हैं। देखिए, जालक बिंदु में मतलब कि सॉरी कि जालक बिंदु को गोला से ही क्यों दर्शाया जाता है, क्यों, क्योंकि परमाणु अणु या जो परमाणु का आकार होता है वो गोले का आकार का होता है, इसीलिए इसको किसकी तरह दर्शाया जाता है, गोले की तरह। ठीक है, समझ में आ गया कि जो क्रिस्टल की संरचना होती है मतलब क्रिस्टलेट उसको, उसी को क्रिस्टल जालक कहते हैं। और जालक में जितने परमाणु, जैसे कि ये गोला गोला परमाणु दिखाई दे रहा है, तो यही है हमारे पास में जालक बिंदु। ठीक है, अब हम अगला चीज़ सीखते हैं। जालक बिंदु हो गया, क्रिस्टल जालक हो गया, तो अब अगर हमारे पास में क्रिस्टल, क्योंकि एक बहुत बड़ी संरचना होती है, तो एक बड़ी संरचना के बारे में अगर हमको पढ़ना होगा तो हम क्या करेंगे कि एक छोटी संरचना को पढ़ेंगे। ऐसी छोटी संरचना, क्योंकि क्रिस्टल है तो उसका पैटर्न बार बार एक ही आता रहेगा ना। क्रिस्टल ठोस कहते किसको है, जो एक क्या करता है, निश्चित ज्यामितीय संरचना का पालन करता है। ठीक है, तो अगर निश्चित ज्यामितीय संरचना का पालन करेंगे तो छोटा वाला हिस्सा का पढ़ाई करके और उसी को अगर सभी दिशाओं में जोड़ देंगे तो पूरा बड़ा वाला श्रृंखला बन जाएगा। जैसे कि यह है, इसके बारे में एक छोटा हिस्सा को पढ़ के, अगर छोटा वाला हिस्सा को पढ़ के अगर उसका पुनरावृत्ति कर देंगे तो पूरा का पूरा हमारे पास में क्रिस्टल जालक बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यानी किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा हिस्सा जिसको क्या करेंगे, अगर सभी दिशाओं में दोहराएंगे तो पूरा का पूरा क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि छोटा हिस्सा, उसी को बार बार अगर सभी दिशाओं में जोड़ा दोहरा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा क्रिस्टल बन के तैयार हो रहा है। तो क्या होता है, इकाई सेल इसको कहा जाता है। इकाई सेल मतलब एगो सेल, एगो कमरा, जैसे कि पूरा घर है, तो घर अगर पूरा ठोस है, ठीक है, तो उसमें घर जब बनेगा तो एक एक रूम से मिलकर बनेगा। अगर सब रूम एक ही जैसा है, ठीक है, जैसे कि एक घर अगर है तो उसमें एक एक घर का एक रूम है और सब रूम एक ही जैसा है, तो अगर एक रूम में 10 लीटर मान लीजिए हवा अट रही है, तो क्योंकि सभी रूम उसी जैसा है, तो एक रूम में अगर 10 लीटर तो दूसरे वाले में 10 लीटर, तीसरे वाले में सब में 10 लीटर अटेगा। यानी एक के बारे में हम पढ़ेंगे और एक ही को जितना भी कमरा रहेगा उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इकाई का मतलब एक, सेल का मतलब होता है कमरा। ठीक है, यानी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है यूनिट सेल। सेल के साथ तो एक अलग धोखा है, सेल माने बैटरी भी होता है, यहाँ पर भी सेल आ गया, बायोलॉजी में भी सेल, मतलब एक ही चीज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करता है। ठीक है, तो इकाई सेल क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम स्थिति होता है, यानी वह छोटा से छोटा हिस्सा होता है जिसको क्या करेंगे, अगर विभिन्न दिशाओं में दोहराया जाएगा तो पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। समझ में आया बात, कि यानी क्या है कि इस छोटे हिस्से को ही क्या कर रहे हैं, एक छोटा हिस्सा, जैसे कि यहाँ पर इस वाले एक डब्बा को अगर सभी दिशाओं में दोहरा रहे इसको, तो यानी कि ये क्या हो गया, एक प्रकार का यूनिट सेल हो गया, जिसको सभी दिशाओं में दोहराने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया, एक क्रिस्टल जालक क्या होता है, किसी ठोस का संरचना ही क्रिस्टल जालक होता है। ठीक है, क्रिस्टल का संरचना, अब क्योंकि वो संरचना बहुत बड़ी है और वही संरचना बार बार दोहराई जा रही है, तो एक के बारे में पढ़ेंगे और पूरे का हो जाएगा, गुणा कर देंगे, तो हमारे पास में एक का जो पढ़ाई होता है इसी को क्या कहा जाता है, इकाई सेल। ठीक है, अब हम अगर बात करेंगे कि एक अगर इकाई सेल होगा तो एक इकाई सेल में क्या होगा, एक इकाई सेल रहेगा तो उसके पास लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और क्या होगा, ऊंचाई, तीन चीज़ होगा ना, क्योंकि त्रिविमीय संरचना रख रहा है, त्रिविमीय रखेगा तो तीन को होगा, एक्स वाई और जेड, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसी को तीन चीज़ कहा जाता है, ए बी और सी। कोई भी अगर त्रिविमीय संरचना बनेगी तो उसमें तीन भुजाएं होंगी, तो उन तीन भुजाओं को किस नाम से रखा गया है, ए बी और सी के नाम से, और इसके बीच में तीन वो कोण होगा, कोण का नाम रखा गया अल्फा, बीटा और गामा। यानी कि एक इकाई सेल जब तैयार होगा तो इसमें छह चीज़ को मापा जाता है, छह चीज़ में माप करेंगे कि इसमें तीन गो भुजा में या तीन गो कोण में, इसी में परिवर्तन करके हम भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि अगर तीनों भुजा बराबर हो गया, ए बी और सी, और तीनों कोण अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों बराबर हो गया कितना डिग्री के, 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, अगर जब तीनों भुजाएं बराबर होती है और कोण 90 डिग्री होता है तो इसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। यानी एक घनीय क्रिस्टल तंत्र तैयार हो गया कि नहीं हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करेंगे हम, इनमें परिवर्तन ला के, किस में, एक इकाई सेल जब बनेगा तो उसमें तीन गो भुजा होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और तीन गो उनके बीच का क्या हो गया, कोण।
तीन भुजा ए बी और सी या तीनों कोण क्या हो गया अल्फा बीटा और गामा, जिसमें अल्फा वाला कोण हो गया किसके बीच के, सी और बी के बीच में, बी और सी के बीच में अल्फा है, ए और सी के बीच में बीटा है और ए और बी के बीच में क्या है गामा है। ये तीन कोण और तीन भुजा मिलकर क्या करते हैं, एक एकक कोष्ठिका का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको करना क्या रहता है, जैसे कि पूरा कमरा का एक रूम में अगर पूरा घर के बारे में पढ़ना था तो हम बोले कि एक घर के, क्योंकि जितना भी घर का रूम है सब एक ही जैसा है, हम एक रूम में पढ़ लेंगे के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसका लंबाई देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे, ऊंचाई देखेंगे, वह दीवार कितना डिग्री पर झुका हुआ है, तो ये सब कोण को देखा जाता है। तो एक क्रिस्टल इकाई सेल में तीन भुजा और तीन कोण के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। अब अगर इकाई सेल के प्रकार के बारे में बात करें, ये तो समझ में आ गया, ये पूछता भी है कि एक यूनिट सेल के कितने पैरामीटर होते हैं, छः पैरामीटर होते हैं, तीन भुजा और तीन कोण, ठीक है। अब हमारे पास में इकाई सेल के प्रकार के बारे में, तो इकाई सेल का प्रकार अगर की बात करेंगे कि इकाई सेल जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो इकाई सेल जो होता है परमाणु की स्थिति के आधार पर अगर बात करेंगे तो दो प्रकार का होगा, आध्य यूनिट सेल और होगा केंद्रीय इकाई यूनिट सेल, ठीक है। आध्य यूनिट सेल को परमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है परमिटिव यूनिट सेल, केंद्रीय यानी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। यहाँ पर घनीय शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे अभी, ठीक है। आध्य यूनिट सेल और केंद्रीय यूनिट सेल दो प्रकार होंगे, ये दो प्रकार किस प्रकार से बातें रहते हैं, क्योंकि अगर इकाई सेल है एक कमरा हो गया, अब इसमें जो होगा परमाणु यानी जालक बिंदु जो होगा इसके केवल किनारे पर पाए जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि किनारे के अलावा कहाँ पर पाया जाए, केंद्र पर। तो देखो हमारे पास में यदि किसी यूनिट सेल में परमाणु केवल किनारे पर पाए जाएंगे, केवल कोना पर पाया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, आध्य यूनिट सेल। अगर वहीं किनारे के अलावा केंद्र पर भी पाया जाएगा, ये केंद्र पर हो गया, तो अगर किनारे के अलावा केंद्र पर भी पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, केंद्रीय इकाई सेल। समझ में आ गया, इकाई सेल का प्रकार के दो प्रकार, पहला है आध्य यूनिट सेल, इसको परमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है, दूसरा है केंद्रीय इकाई सेल। आध्य यूनिट सेल कब कहेंगे, जब परमाणु केवल कहाँ पर हो, कोने पर उपस्थित हो, तब उसे कहेंगे आध्य यूनिट सेल। अगर हमारे पास में कोने के अलावा और कहाँ पर स्थित हो, केंद्र पर भी स्थित हो, तो जब केंद्र पर भी स्थित होगा तब उसे क्या कहेंगे, केंद्रीय इकाई सेल। जैसे कि यहाँ पर ये केंद्र पर स्थित है, यहाँ पर भी ये क्या है, केंद्र पर स्थित है, सब कोना पर है, यहाँ पर सब कोना पर है और बीच में भी है, जिसको कहते हैं केंद्रीय इकाई सेल। समझ में आ गया, तो हम लोग क्या देखें कि यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल का एक छोटा हिस्सा जो होता है यूनिट सेल होता है, जिसको बार बार अगर दोहराया जाएगा सभी दिशाओं में तो पूरा का पूरा क्रिस्टल बन के तैयार होगा। तो उस छोटा हिस्सा का अगर प्रकार देखेंगे तो उस छोटा हिस्सा में जब यूनिट सेल बनेगा तो उसमें परमाणु कोना पर भी पाया जाएगा और बीच में भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो जब कोना पर पाया जाएगा तो आध्य यूनिट सेल, और कोना के अलावा अगर बीच में केंद्र पर भी पाया जाएगा तो उसे बोलेंगे केंद्रीय इकाई सेल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केंद्रीय इकाई सेल की, तो क्योंकि एक अगर कोई भी घन या कोई भी संरचना अगर ठोस त्रिविमीय संरचना बन रही है तो उसमें घन में या किसी भी संरचना में केंद्र तीन प्रकार से हो सकते हैं, या तो केंद्र पूरे शरीर का एक केंद्र हो, जैसे कि हमारा शरीर है तो इस शरीर का एक केंद्र होगा नाभिक, शरीर का केंद्र है, या फिर अगर किसी एक विशेष जैसे कि हाथ का केंद्र, तो हाथ का केंद्र ये वाला भाग होगा, तो यानी कि हमारे पास में एक होगा अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कौन सा होगा, जो पूरे के पूरे संरचना के बीच वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं अंतः केंद्र। इसीलिए जो इकाई सेल बनेगा वह कैसा बनेगा, अंतः केंद्रीय इकाई सेल। इसी प्रकार से फलक यानी किसी सतह का भी तो केंद्र हो सकता है, जैसे ये वाला ऊपर वाले सतह का ये केंद्र हो गया, इसी तरह ये नीचे वाला इस साइड वाला का केंद्र हो गया, ये आगे वाला का केंद्र ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग भाग का अलग अलग केंद्र भी हो सकता है। इस आधार पर केंद्रीय इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, कौन कौन से, अंतः केंद्रीय इकाई सेल, फलक केंद्रीय इकाई सेल और कोर केंद्रीय इकाई सेल। यानी कि पूरा को अगर एक बार करेंगे तो पहला है आध्य यूनिट सेल, जो हम लोग इससे पीछे देखे हैं, यहाँ पर आध्य यूनिट सेल है। आध्य यूनिट सेल कब कहेंगे, जब परमाणु केवल और केवल कहाँ पर पाया जाए, कोना पर, तो बोलेंगे क्या हुआ है वो आध्य यूनिट सेल। अगर कोना के अलावा केंद्र पर की बात करेंगे तो केंद्र पर तीन जगह हो सकता है, अंतः केंद्रीय हो सकता है, फलक केंद्रीय हो सकता है या फिर कोर केंद्रीय हो सकता है।
तो जब अंतःकेंद्रीय होगा तो अंतःकेंद्रीय बोलेंगे। अगर मतलब कि जब किसी घन के या किसी इकाई सेल में कोना के अलावा परमाणु केंद्र पर भी पाया जा रहा है तो अंतःकेंद्रीय, अगर फलक के केंद्र पर पाया जाएगा तो फलक केंद्रीय, और किसी दो किनारा पर जैसे कि एगो ऊपर एगो नीचे किसी दो किनारा पर पाया जाएगा तो उसे बोलेंगे कोर केंद्रीय। इसको बॉडी सेंटर कहते हैं, इसको फेस सेंटर कहते हैं, इसको कहते हैं इंड सेंटर। इसको क्या कहा जाता है? बॉडी सेंटर, ठीक है। इसको कहा जाता है फेस सेंटर्ड, इसको कहा जाता है इंड सेंटर, कोर केंद्रीय, ठीक है। परिभाषा की अगर बात करेंगे, बिना परिभाषा का तो काम चलेगा नहीं। तो अंतःकेंद्रीय किसको कहेंगे? तो अंतःकेंद्रीय की बात करेंगे तो अंतःकेंद्रीय है इकाई सेल में जालक बिंदु सभी कोनों के साथ साथ पूरे इकाई सेल के मध्य में हो, यानी कि मध्य का मतलब बीच वाला हो गया। तो अगर कोना के अलावा अगर बीच वाले केंद्र पर भी पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अंतःकेंद्रीय। समझ में आ गया बात कि पूरा किनारा पर तो पाया ही जाएगा, इसके अलावा बीच वाले केंद्र पर भी पाया जाएगा परमाणु। इसके अलावा संभावना फलक केंद्रीय की, फलक केंद्रीय किसे कहेंगे? जब जालक क्या होगा सभी कोना पर तो हर एक स्थिति में पाया जाएगा, परमाणु बिना कोना का संभव नहीं है। तो कोना के साथ साथ और कहाँ पर पाया जाएगा? फलक के मध्य बिंदु पर। फलक केंद्रीय का मतलब फलक के केंद्र पर, फलक का मतलब क्या होता है? सतह। तो अगर सतह के केंद्र पर पाया जाएगा तब उसे क्या बोलेंगे? फलक केंद्रीय। जैसे कि अगर आप एक रूम में हैं तो रूम में केंद्र कौन स्पर्श हो सकता है? जैसे कि ये एक दीवार है इधर वाला, तो इस दीवार का बीच वाला सतह का केंद्र हो सकता है, या फिर वो हो सकता है कि एक रूम में जहाँ पर पंखा बीचों बीच लटकाया जाता है तो वहाँ वाला केंद्र को, दो तरह का केंद्र हो गया ना, एक हर दीवार का अपना केंद्र, तो उसको क्या बोलेंगे? फलक केंद्रीय। फलक का को एक इधर वाला फलक, जितना दीवार होगा उतना केंद्र होगा। फलक का मतलब होता है सतह या दीवार, तो जितना सतह उतना केंद्र। और एक हो गया अंतःकेंद्र, मतलब कि बीचों बीच वाला केंद्र, जैसे पूरा का पूरा रूम है तो रूम में जो बीच वाला हिस्सा होगा, ठीक है। अब हमारे पास में है कोर केंद्रीय, ये हो गया हमारे पास में फलक केंद्रीय के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कोर केंद्रीय। कि कोर केंद्रीय क्या होता है? कि इसमें घटक कोने पर स्थित होने के अलावा, जितना कोना है उस सब पर तो होगा ही, और इसके अलावा किसी अन्य दो आमने सामने वाले पर भी परमाणु पाया जाएगा तब उसे क्या कहेंगे? कोर केंद्रीय, ठीक है। तो हम लोग कितने प्रकार देखे इकाई सेल में? आद्य एकक कोष्ठिका, अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका, इसके अलावा हम लोग देखे हैं फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका और कोर केंद्रीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। ये हम लोग चार टाइप इसके देख लिए हैं एकक कोष्ठिका के। कुछ लोग जो होंगे अगर पहले से ठोस अवस्था पढ़े होंगे तो वो लोग को लग रहा होगा कि सर जी आप क्या कर रहे हैं कि छोड़ रहे हैं कि BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ये सब छोड़ रहे हैं। देखिए अगर हम BCC की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक का मतलब कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका, लेकिन अभी हम लोग एकक कोष्ठिका देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग घनीय एकक कोष्ठिका नहीं देख रहे हैं, तो वो अलग पढ़ाई है, ठीक है। वो इसी के अंदर में आता है, आगे चल के अभी देखेंगे उसके बारे में। अभी हम लोग केवल ये सीखे हैं कि फलक केंद्रीय कब होगा? जब परमाणु केवल और केवल किनारे पर है, इसका मतलब कि क्या हो गया? आद्य एकक कोष्ठिका। अगर वह किनारे के अलावा, यानी जितना कोना है उस सब कोना के अलावा बीच वाले केंद्र पर भी पाया जाएगा तो अंतःकेंद्रीय। और अगर हमारे पास में कोना के अलावा फलक के केंद्र पर, यानी सतह के केंद्र पर पाया जाएगा तो फलक केंद्रीय, और अगर किन्हीं दो सतहों के केंद्र पर पाया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? कोर केंद्रीय। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए कुछ पहचानते हैं, देखते हैं कि आपको पहचानने आ रहा है या नहीं इसको, ठीक है। एक मिनट देखते हैं इसको पहचान। जैसे कि देखिए ये आप किस संरचना कहेंगे? ये फलक केंद्रीय है, कोर केंद्रीय है, या फिर अंतःकेंद्रीय है, या फिर इंड सेंटर है? कमेंट करके बताइए हमको कौन सा है, कौन सा है? फलक केंद्रीय। देखिए कैसे कौन सा है, परमाणु यहाँ पर कहाँ पर है? कोना पर है, सॉरी, परमाणु यहाँ पर सभी कोना पर है, जैसे कि इस कोना पर है, कोना पर है। कोना के अलावा और कहाँ पर है? एक ऊपर वाले फलक के केंद्र पर, एक इधर वाले फलक के केंद्र पर, एक नीचे वाले, सभी फलक के केंद्र पर पाए जा रहे हैं। और अगर सभी फलक के केंद्र पर पाए जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। इसमें बात करेंगे ये किस प्रकार का है, कमेंट करके बताइए। हाँ और लोग ठीक है, देखिए सभी कोना पर है, इस कोना पर, इस कोना पर, इस कोना पर, सभी कोना पर है,
ठीक है। अब सभी अगर कोना पर है तो ऊपर वाला फलक के केंद्र का ये हो गया, ये इधर वाले केंद्र पर हो गया, ये नीचे वाले केंद्र पर, बीच में संरचना किस प्रकार की बन रही है उससे मतलब नहीं है। हम लोग देखेंगे कि जो परमाणु है वो केंद्र पर है, कहाँ पर है, स्थिति देखेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, फलक केंद्रीय। समझ में आ गया बात, अब आगे चले, ठीक है। और एक चीज़, आप लोग जितना लोग भी कमेंट कर, इसको जरूर से कमेंट करिए, अगर कहीं डाउट है वो भी पूछिए, या आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लग रहा है बुरा, जो भी है आप कमेंट करिए। अगला वीडियो में आप लोग का नाम ले लेके एक एक लोग का बताएंगे कि हाँ कौन क्या कहा है, सबका कमेंट हम जरूर पढ़ के अगला वाला वीडियो में रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो इसीलिए कमेंट करिए, अगला वीडियो में आपका नाम ले लेके आपको नाम लिया जाएगा, ठीक है। अगर इसके बात करें, ये कौन सा है, फलक केंद्रीय, इंड सेंटर, या फिर बॉडी सेंटर, या फिर आद्य एककोष्ठिका, कौन सा है ये, कोरोला है, इंड सेंटर है ना। देखिए कैसे, क्योंकि सभी कोना पर तो परमाणु है, ये कोना पर है परमाणु, और इसके अलावा दो विपरीत सतह पर है। अगर दो विपरीत सतह पर है, यानी इसको क्या कहेंगे, कोर केंद्रीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा है, इसमें परमाणु यहाँ पर भी है, सॉरी, तो ये सभी कोना पर है, खाली कोना पर ही है ना, अगर सभी कोना पर है तो इसको क्या कहेंगे, आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य वाला कहेंगे ना, क्योंकि इसमें किसी न केवल और केवल कोना पर है, बीच के केंद्र पर नहीं है, ठीक है। इसमें अगर बात करें, इस केस में देखिए, ये रेड वाला जो है सभी किनारे किनारे पर है, और इसके बीच में एगो है ना, है तो सभी किनारे के अलावा अगर बीच में भी है, तो किनारे के अलावा अगर बीचों बीच है तो इसको क्या बोलेंगे, अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका। संरचना कैसी भी देखने को मिल सकती है उससे मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना है कि उसमें परमाणु कोना पर तो रहेगा ही रहेगा, कोना पर हो गया सभी, और इसके अलावा ये बीचों बीच है तो अंतःकेंद्रीय, अगर फलक के केंद्र पर रहेगा तो फलक केंद्रीय, अगर केंद्र पर नहीं रहेगा तो आद्य एकक कोष्ठिका, और अगर विपरीत वाला पर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, कोर केंद्रीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे हैं, कि पहला सीखे कि क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे, तो क्रिस्टल जालक कहेंगे किसको, कि जो भी हमारे पास में क्रिस्टल है उसका संरचना जब बनाएंगे तो उस संरचना को ही क्या कहा जाता है, क्रिस्टल जालक, ठीक है। अब क्रिस्टल जालक में जो छोटे छोटे कण मिलकर बना है उस कण को कहा जाएगा जालक बिंदु, जैसे कि यहाँ पर ये जितना भी बिंदु बन रहा है इस सब बिंदु को ही क्या कहा जाता है, जालक बिंदु। और जो ये भुजा होता है इसको कहा जाता है लैटिसाइट, ठीक है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लैटिसाइट जब भुजा वुजा का मान ज्ञात करना रहेगा तब, ठीक है। इसके अलावा जालक बिंदु हो गया, तो अब ये जो है परमाणु जो है बिंदु, ये परमाणु जो होगा इसके कोना पर भी हो सकता है, केंद्र पर भी हो सकता है, इस सब के बारे में तो पहले हुआ, क्योंकि क्रिस्टल एक बहुत बड़ी संरचना रख रहा था, लेकिन क्रिस्टल की संरचना निश्चित होती है, तो जो छोटा हिस्सा है उसको पढ़ के बार बार दोहरा देंगे तो पूरा का पूरा क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा, इसीलिए उस छोटा वाला हिस्सा को क्या कहा जाएगा, इकाई सेल, ठीक है। अब ये इकाई सेल जब पढ़ेंगे तो इकाई सेल में परमाणु कोना पर अगर केवल है तो आद्य एकक कोष्ठिका, कोना के अलावा अगर केंद्र पर आएगा तो केंद्र पर अंतःकेंद्र भी हो सकता है, फलक का केंद्र भी हो सकता है, कोर का भी केंद्र हो सकता है, इसके हिसाब से अलग अलग क्या किया गया, इसका नाम दिया गया, ठीक है। अब इसी से आगे हम लोग अगला वीडियो पढ़ेंगे कि जब एक क्रिस्टल बनेगा एकक कोष्ठिका से बनेगा तो वह एकक कोष्ठिका किस किस प्रकार का क्रिस्टल को निर्माण कर सकती है, इसके बारे में अगला वीडियो में सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है, तो अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसके सारे के सारे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।